दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं रोज ओप्पो वीवो रियलमी इन सारे स्मार्टफोन्स के बारे में बताता जाता हूँ, लेकिन क्या आप लोगों को पता है पोको भी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर। पोको की तरफ से ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों पोको M3 नाम से आएगा, और क्या क्या स्पेक्स रहेंगे, कैसा इसका प्राइस रहेगा, कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा, सारा चीज़ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, सब कुछ पता चलने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने वीडियो पर अभी तक एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल में आप लोग पहली बार आए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑन करके रखना, ताकि जब भी हम ऐसे लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों पोको का जो ये M3 है बहुत ही अच्छा डिवाइस होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पोको M3 में आप लोगों को जो डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे एक IPS LCD स्क्रीन देखने के लिए मिलता है दोस्तों 6.53 इंच का फुल HD प्लस ये आप लोगों को रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। बहुत ही अच्छी बात है इस प्राइस रेंज के अंदर। हाल ही में मैंने अभी तक आप लोगों को प्राइस नहीं बताया, लेकिन प्राइस लास्ट में बताने वाला हूँ। तो इस प्राइस रेंज के अंदर आप लोगों को फुल HD प्लस का वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। 6.53 इंच का यहाँ पे आप लोगों को एक वाटर ड्रॉप नॉच का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है दोस्तों बहुत ही अच्छा TUV रिहैंडलाइन सर्टिफाइड डिस्प्ले है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लो ब्लू लाइट प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही अच्छा सर्टिफाइड डिस्प्ले है। यहाँ पे चीप क्वालिटी का डिस्प्ले आप लोगों को इस बार पोको M3 में देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इस बार पोको वाले इसमें प्रोवाइड किए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने पहले बताया आपको फिजिकल ओवरव्यू के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले बैक पैनल के बारे में बात करते हैं। इस बार आप लोगों को कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई भी रिब्रांडेड इसको नहीं बताऊंगा। पोको ने इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है दोस्तों। पीछे का जो आप लोगों को बैक डिजाइन देखने के लिए मिलता है लेदर फिनिशिंग के साथ आता है, हैंड ग्रिपिंग में बहुत ही अच्छा लगता है पकड़ने में। आप लोगों को कुछ डिफरेंट फील होगा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फ्लैगशिप टाइप का फील होगा, जो बहुत ही अच्छा डिजाइन होते हैं। जैसे रियलमी का एक लेदर वाला स्मार्टफोन भी आया था Realme 7 सीरीज का, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्रिपिंग आप लोगों को मिल जाएगा लेदर फिनिशिंग के साथ। साथ ही साथ ऊपर में आप लोगों को बड़ा सा यहाँ पे कैमरा बम्प देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों साइड में आप लोगों को एक पोको लोगो भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, जो कि कैमरा बम्प के इस साइड में है, पोको लोगो नाम से आता है। नीचे की तरफ आप लोग अगर गौर से देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है, स्पीकर ग्रिल के साथ आता है दोस्तों। और ये बात मैं बताना चाहता हूँ, इस स्मार्टफोन में आप लोगों को डुअल स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, डुअल स्पीकर का सपोर्ट इस बार पोको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही सारी कंपनियां नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी को डुअल स्पीकर इन दिनों के अंदर देना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक पावर ऑन ऑफ बटन भी है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के रूप में ये काम भी करता है। साइड में आप लोगों को ऊपर में भी एक माइक्रोफोन वाला स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, ऑडियो जैक मिलता है 3.5 mm का। साथ ही साथ यहाँ पे और एक स्पीकर भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके बारे में पहले ही मैंने बताया, बहुत ही अच्छा चीज है। डुअल स्टीरियो सराउंड साउंड का सपोर्ट इसमें है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑडियो के थ्रू मिलने वाला है आप सभी लोगों को। इतना ही नहीं दोस्तों, स्पीकर के बगल में मतलब कि एकदम साइड में आप लोगों को आयर ब्लास्टर का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। इस मोबाइल में अवेलेबल है आयर ब्लास्टर, रेडमी शाओमी और पोको के सभी फोन्स में आप लोगों को मिलते हैं, तो आयर ब्लास्टर भी इस फोन में आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा चीज लगता है मुझे। अदर साइड के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोगों को डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट मिलता है, और आप लोग 512 GB तक आप लोग इसको एक्सपांड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा मेमोरीज कार्ड स्लॉट वगैरह आप लोगों को इसमें मिल जाता है। एंड अगेन दोस्तों बैक रियर साइड के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाता है। कुछ डिफरेंशियल लुकिंग लेके ये मोबाइल आता है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। दोस्तों यहाँ पे कैमरास के बारे में बात करते हैं, पोको M3 में आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो कैमरा है दोस्तों ट्रिपल सेटअप के साथ आता है, और यहाँ पे कैमरा बम्प जो है बहुत ही छोटा सा माइनर सा देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ कैमरा लेंस के बारे में बात करें, यहाँ पे 48 MP का मेन रियर लेंस मिलता है, साथ ही साथ 2 MP और 2 MP का मैक्रो डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलता है, LED फ्लैश का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों सामने के साइड में वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर आप लोगों को 8 MP का एक फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। जो डिजाइन है दोस्तों बहुत ही कूल लगता है देखने में, लेदर डिजाइनिंग के साथ आता है, कुछ डिफरेंस फील होता है यहाँ पे, और ऊपर में जो साइड में पोको लोगो लिखा है वो तो और भी अच्छा लगता है यार दिखने में। साथ ही साथ यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज वेरियंट के बारे में बात करें, 4GB 64GB, 4GB 128GB दोनों ही रैम एंड स्टोरेज वेरियंट आप लोगों को इस डिवाइस में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों LPDDR4X रैम का सपोर्ट है, UFS 2.2 का सपोर्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। UFS 2.2 है,
2 GHz के ऊपर इसको क्लॉक किया है दोस्तों। अब प्रोसेसर के बारे में बात करें तो 662 वाला प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है इस डिवाइस के अंदर। स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर है लेकिन थोड़ा बहुत ही इंप्रूव प्रोसेसर है। पिछले वाला जो स्नैपड्रैगन का 6 सीरीज था उससे बहुत ही इंप्रूव है, आप लोग बहुत ही अच्छा गेमिंग वगैरह इससे निकाल पाओगे। अब बात करें दोस्तों इस मोबाइल में सबसे बढ़िया फीचर कौन सा देखने के लिए मिलता है, तो 6000 mAh का यहाँ पे आप लोगों को बैटरी देखने के लिए मिल जाता है। मैसिव सा बैटरी है और इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे डुअल स्पीकर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो 6000 mAh का बैटरी है, 2 स्पीकर चलता है इस मोबाइल के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों बॉक्स कंटेंट में आप लोगों को बहुत ही सारी चीज देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लॉन्च होने से पहले आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को एक टीपीयू केस देखने के लिए मिलता है जो कि क्वाइट डिसेंट है। एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी पोको ने इस बार आप लोगों को प्रोवाइड किया है दोस्तों। बॉक्स के अंदर 18 वाट का एक चार्जर भी मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को एक USB Type-C पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही डिसेंट चीज है। बात रही दोस्तों इसका प्राइसिंग कितना रखने वाला है पोको इंडिया के अंदर, तो मेरे हिसाब से दोस्तों सब कुछ मिला के मैंने देखा यहाँ पे एक प्राइस मैंने सेट किया दोस्तों 11000 से लेके 12500 रुपया तक आप लोगों को इसका बेस वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया के अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग फोन है दोस्तों। इसका कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को फिर रिवाइंड कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे 6000 mAh का बड़ा सा बैटरी मिलता है, 22 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें है, साथ ही साथ 48 MP का यहाँ पे आप लोगों को लेंस मिलता है दोस्तों। इसी के साथ साथ ये ट्यूब डिजाइन सपोर्ट के साथ आता है जो कि बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन वाला वेबसाइट है। इसका डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया आप लोगों को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, कोई भी मोबाइल में यहाँ पे डुअल स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलता इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और आयर ब्लास्टर वगैरह मिलता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये जो मोबाइल है दोस्तों इसका अभी तक लॉन्च डेट पोको ने सेट नहीं किया, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मिड ऑफ दिसंबर के अंदर आप लोगों को ये डिवाइस बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट में इसका लिस्टिंग होगा और बहुत ही जल्दी आप लोगों को ये डिवाइस पोको लॉन्च करने के लिए देखने को मिल जाएगा। तो आई होप गाइस पोको M3 लॉन्च होने से पहले मैंने आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी नए नए इंटरेस्टिंग खबर लेके। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।